नमस्कार, मेरा नाम वही चंद्रकेश्वर रेड्डी, सामाजिक कार्यकर्ता हम टीएस से आया। अभी एक प्रश्न है, नाम पूरा बताइए। वही चंद्रकेश्वर रेड्डी, सोशल एक्टिविस्ट। चंद्रकेश्वर रेड्डी हैदराबाद। हम एक प्रश्न में क्या है, एफ्लुएंट के लिए ट्रीटमेंट प्लांट इसमें एक्सपेंशन कर रहे हैं वो बढ़ाना, और डोमेस्टिक एफ्लुएंट ये ट्रीटमेंट प्लांट भी कितना बढ़ाता बोलना बोल के हम बोल रहे हूँ। सलाह और जो सलाह CSR CER फंड जो इफेक्ट होता गांव के लिए वो खर्च करना, और एक ग्रीन बेल्ट 33% कंपलसरी करना, वो पोल्यूशन के लिए बहुत अच्छा है, और जाड़ बनाना, और खेती के लिए आग्रो इंडस्ट्री है ना, इसलिए हम लोग को MOFCC की रिकमेंडेशन कर रहा हूँ। वो पब्लिक के लिए जो नौकरी है वो परसेंटेज वो लोकल वाला को देना जरूरत है, वो उसको वो देना मेरा सलाह है। और कुछ छोटा मोटा कॉन्ट्रैक्ट है तो भी गांव वाला को देना, वो जमीन को और ग्राउंड वाटर के लिए कुछ भी अंदर नहीं छोड़ना, ये एफ्लुएंट नो उसका ट्रीट करने के बाद वो बाहर छोड़ना जब जमीन अच्छा रहता, अगर ऐसा छोड़ दिया तो बहुत प्रॉब्लम होता, इसलिए वो नहीं करना बोल के हम रिक्वेस्ट करके ये कंपनी ये कारखाने के लिए आग्रो बेस और खेती के लिए वाला को अच्छा लाभ आता, इसलिए वो हम MOFCC के परमिशन के लिए रिकमेंडेशन। धन्यवाद सब लोगों को, धन्यवाद।